दोस्तों देखो मेरी आंखों से पांचवें सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर सिटी के अंबर पैलेस घूमने जाएंगे। मेन गेट से ट्रेकिंग करते हुए भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे पास समय का कमी था, शाम होने वाले थे, सो हमने पीछे के रास्ते से बाय रोड जाने वाले एक स्कॉर्पियो कर लिया। ये हमें 10-15 मिनट में पहुंचा देंगे। रास्ते में जगत शिरोमणि जी मंदिर के दर्शन करते हुए जाएंगे। ये राधा कृष्ण जी की मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा है राधा कृष्ण जी की, वो मीराबाई पूजा किया करते थे। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, देखिए। यहाँ पे दर्शन करके दिल खुश हो गया। यहाँ पे एक दोस्तों अद्भुत सा तालाब है जहाँ पे दबंग 3 का शूटिंग हुआ था। आप लोग भी कमेंट पे बताइए कौन कौन सा फिल्म में ये तालाब देखने को मिला है। बड़े बड़े मच्छी कछुआ अभी भी इसके अंदर है। दोस्तों हमने यहाँ से एक सरकारी गाइड ले लिया ताकि अच्छे से समझ पाए यहाँ का हिस्ट्री। सर मेरा नाम विष्णु कुमार, वेलकम आपका। हमारा नाम संदीप है। ये शहर है सर, 1000 साल पुराना कैपिटल है राजस्थान का, इसको आमेर के नाम से जानते हैं। इसका नाम आमेर कैसे रखा गया आपको बताओ? मैं आपको बताता हूँ सर कि शहर का नाम आमेर कैसे रखा गया। यहाँ पर 1000 साल पहले तीन लोग रहते थे। आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं असम। असम में तो नहीं है ये सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शायद कम ही होंगे। मीना एक जाति होती है कास्ट, वो अधिकतर राजस्थान में पाई जाती है। मीना और गुजर इनका शासन काल था यहाँ पे। उसके बाद में आया था यहाँ पे राजपूतों का शासन काल। राजपूतों में राजा अमरीश हुए थे। अमरीश राजा ने श्रीनगर को बताया, उन्होंने एक मंदिर बनाया शहर में शिवा टेम्पल, उसका नाम रखा उन्होंने अम्बिकेश्वर। उनकी इष्ट देवी है जो अंदर मंदिर है उसका नाम अम्बा। अब आप तीनों के नाम पर ज्वाइन कीजिए, अमरीश अम्बिकेश्वर अम्बा होती तो अपने सामने एक नाम पर क्या था तो सर का नाम रखा गया। दिस इज ऑल्ड जयपुर, ओल्ड कैपिटल ऑफ राजस्थान, न्यू कैपिटल पिंक सिटी, जहाँ से भी आप लोग आएंगे पिंक सिटी जयपुर। ये पहला सर 450 ईयर्स और 450 साल पुराना, इसको महल को बनाया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह थे अकबर की आर्मी में चीफ कमांडर। मैंने जोधाबाई का नाम सुना होगा, जोधाबाई का माइक है सर। तो मूवी देखा हमने जोधा अकबर, यही बने थे। तो इस पैलेस स्टार्टिंग मान सिंह 1590 एंड दिस बिल्डिंग इज कंप्लीट 1727। राजा मान सिंह ने 1590 में महल को स्टार्ट किया, 1727 में महल बनकर तैयार हुआ। 137 ईयर्स महल को बनाने में लगा। देखिए सर, कोई भी राजा हो, व्यक्ति हो, आदमी हो चाहे बादशाह, इतना लॉन्ग लाइफ किसी का नहीं होता है। महल को 3 किंग ने बनाया। फर्स्ट किंग मान सिंह ने उसका स्टार्ट किया, सेकंड किंग मिर्जा राजा जय सिंह जो आपके शिवाजी के टाइम में, एंड लास्ट किंग सवाई जय सिंह इसको कंप्लीट किया। सवाई जय सिंह ने जो लास्ट के जो किंग थे वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे थे। उनकी नज़र में शहर थोड़ा छोटा लगा। उनके मन में और दिल में एक विचार आया कि बड़ी सिटी का निर्माण हो। उन्होंने जयपुर बनाया जहाँ से भी आप लोग आए। पहले जयपुर नहीं था, ओल्ड सिटी नहीं है, इसको बोलते आमेर। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन सिस्टम। शहर का नाम आमेर है, पैलेस का नाम अंबर है, AMBER। इस परफेक्ट नेम अंबर, अंबर मीन्स स्काई, पहाड़ पे फोर्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं अंबर पैलेस। अगर राजस्थानी लैंग्वेज सिटी नेम आमेर। अंडरस्टैंड सर? ये देखो सर, ये पहाड़ तो देखिए, इस पैलेस की और शहर की दोनों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वॉल बनाया। पुराने जमाने में टेलीफोन वार्निंग सिस्टम नहीं होते थे, दैट इज पास वन वॉच टावर, सब में गार्ड होते थे। और कोई भी खतरे का संकेत होता था वहाँ से वो लोग इन्फॉर्मेशन देते थे, ड्रम बजाते थे। ये गेट बंद होता था सूरज फॉल,
अंदर सेना तो तैयार होकर निकलती थी, लेकिन वो सामने स्टेप्स हैं तो देखिए स्टेप्स हैं, दैट इज वेरी टाइट सिक्योरिटी, मैंने की सुरक्षा इसी से होती थी। ये बिल्डिंग में देखते हैं 1592 में स्टार्ट हुआ, 1727 में कंप्लीट हुआ, ये 137 में पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगा। इसको बोलते हैं पब्लिक ऑडियंस, दीवाने आम, इस जगह का नाम है पब्लिक ऑडियंस दीवाने आम। बिल्डिंग में राजा का सिंहासन होता था, राजा यहाँ बैठते थे, पब्लिक अपनी समस्याएं लेकर आती थी सामने बैठती थी, पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं होता। उस जमाने में पर्दा सिस्टम ज़्यादा होता था, राजा के साथ में महारानी नहीं बैठती थी, सामने थ्री विंडोज में रानी बैठती थी, एक साइड में ब्लैक कलर का पर्दा लगाते थे, वहाँ पर अंधेरा होता था, रानी को कोई भी नहीं देखता था, जो भी न्याय और फैसला होता था महारानी माँ से देखती थी। आवाज़ लगाने वाले होते थे, बोलते हैं ललकारा, वो आवाज़ लगा के भगवान करते थे, पूरे फैसले को पब्लिक को सुनाते थे, उस आवाज़ को महारानी भी सुनती थी। महाराजा महल में प्रवेश करते थे, वो लोग आवाज़ लगाते थे कि महाराज हिरात पधार रहे हैं, उस आवाज़ को सुन रखे महारानी खड़ी होती थी। जब महाराजा महल में प्रवेश करते थे, सेंटर में स्मॉल विंडो देखते हैं, वहाँ से रानी राजा का वेलकम करती थी, एक हाथ में चावल लेती थी, दूसरे में फूल लेती थी, राजा को पटा देती थी, राजा का वेलकम होता था, भगवान से दुआ मांगी जाती थी, भगवान आप हमारे सुहाग की रक्षा करना, इसलिए जगह बोलते हैं सुहाग मंदिर। ये फाइव विंडो जो देखते हैं सामने इधर में, ये राजा रानी का डाइनिंग हॉल है, डाउन में स्मॉल स्मॉल रॉयल किचन है, और इधर में देखो छोटे छोटे रूम है, किचन के स्टोर रूम है, और ये फर्श है, इसके नीचे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया है, जिसे डाउन साइड बिगिंस वाटर टैंक जिसको बोलते हैं, रेन हॉस्टिंग सिस्टम, जिस पर गवर्नमेंट आप ध्यान दे रही है। 300 साल पहले जितनी भी बारिश होती थी सब यहाँ पे जमा करते थे, राजा में जितने भी एमपी थे उसी को पिया करते थे, रॉयल फैमिली नहीं पीती, रॉयल फैमिली से वाटर था हरिद्वार से लोग गंगा जल वगैरह पीते थे, बाकी एमपी इसको पीते थे। तो बनाया था, बनाने का पर्पज क्या था, इसके तीन नाम है, पहला नाम है जय मंदिर, इसको राजा जयसिंह के द्वारा बनाया, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं जय मंदिर, जो बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दीवाने खा, यहाँ पे राजाओं के जो स्पेशल जो गेस्ट होते थे में आराम करने का जाए। अच्छा, सर्दी में गर्म कैसे होता था ये? राजा जयसिंह ने इसको बनाया, जयसिंह के टू वाइफ, फर्स्ट महारानी यहाँ रहती थी, दूसरी महारानी उधर रहती थी, आउट में पर्दे कॉटन होता था, डाउन में कारपेट होता था, कारपेटों के ऊपर ऑयल लैम्प जलते थे, जैसे दीवारों पे ऑयल लैम्प का डिजाइन देखते हैं, अंदर में जब लैम्प जलता था तो इनसाइड का जो ग्लास वो हीट पकड़ता था, इनसाइड का जो ग्लास हीट पकड़ता था पूरा हॉल गर्म होता था, ये साइंस था 300 ईयर्स ओल्ड। राजा ने विंटर के लिए महल को तैयार करवाया, क्या था इसके तीन नाम है, पहला नाम है जय मंदिर, इसको राजा जयसिंह के द्वारा बनाया, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं जय मंदिर। अच्छा, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दीवाने खास, यहाँ पे राजाओं के जो ये कूलर बनेगा, दिस इज नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम, तो पानी वहाँ से आएगा तो बह के जाएगा तो गार्डन में आएगा, दिस इज नॉट वेस्टेज सर, फिर जो पानी शेष बचेगा फिर टैंक में डाल दिया जाएगा। आओ दोनों आ जाओ, इधर आओ। देखा आपने वीर सलमान खान फाइटिंग का सर्टिफिकेट नहीं लिया, ये जो ऊपर वाला ऊपर सर में ये देखो बोल बनकर, बोल बनकर इधर ही बना कभी, अच्छा इधर ही बना जी सर। आगे बढ़ोगे तो महल समझ में आएगा, उसका रीज़न क्या है कि इसको स्टार्ट किया था बैक साइड से, लेकिन अपन लोगों ने एंट्री किया फ्रंट साइड से, तो वो पार्ट था जयसिंह का, ये पार्ट है मान से कहेंगे 12 गेट का, ये दरवाजे बंद होते थे, ये बाहर ओपन है, ये पानी का टैंक है, उस जमाने का सोलर सिस्टम है, ये कमरे हैं, 11 अपार्टमेंट डिफरेंट टोटल 12 बाई 16 अपार्टमेंट। Thank you.
ये झील का पानी पीते थे क्या उस टाइम? कैसर के लिए बनाया था? हाँ नहीं देखा। आओ आगे आओ। ये बना फोर्ट है, जेगर फोर्ट नाम है। जो वो झंडा है उसमें तीन कलर नहीं, फाइव कलर है। वो राजा का खुद का फोर्ट है। तीन हजार लीटर वाला। हाँ। सिटी पैलेस में सर मंदिर जो नीचे से आपको दिखाया था, रानी वेट के राजा का वेलकम किया करता है। पूरा मार्बल का काम है, मार्बल नीचे जाता है, उसके जब पत्ती राजस्थान से निकलता है पूरा मार्बल नीचे देखिए रूम के पास। यहाँ से सुनाई देते थे बताए थे आवाज़ लगाने डाउन साइड सर्वेंट कॉट। ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, बिल्कुल जोरदार है। राजा रानी का डाइनिंग हॉल है। एक फोटो बनाओ, बट ब्यूटीफुल पिक्चर। अभी जब इसे ग्लास में बनाए थे ना, परिवार सिटी पैलेस में रहते। ये यहाँ की लास्ट क्वीन थी राजा माता गायत्री देवी, इनके बेटे पोते ये परिवार वहाँ जाकर रहता है। बिल्कुल, ये महल इन्हीं का था, भी गवर्नमेंट का। अच्छा, ये सब वो गायत्री देवी का ही है। हाँ, तो जयपुर में जितने भी मोनोमेंट्स हैं ना, 5 बजे बंद हो जाते हैं, ये महल खुला रहता है। पीछे देख ये ऊपर फोर्ट है ना, जयगढ़ फोर्ट, उसमें वाटर टनल सुरंग और जोधाकपुर बनी थी ना, यहाँ सिटी में बनवाया था, लेके आए थे हम लोग, छोड़ गए यहाँ पे। पानी का मटका दिखाऊँ वहाँ भी कराओगे? मीना बाजार। हाँ आगे आओ,
ऑटोग्राफ में राजा की आर्मी का ऑटो रहता था ऐसे उल्टा रखा हुआ, ये वाला इंक्लूड है, वो लेके चलेगा।